रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम आताशा, वेलकम टू आवर YouTube चैनल ग्रामर विद टाइम्स। डियर स्टूडेंट्स, इन ड्यू दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द फाइव टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन माय प्रीवियस लेक्चर, सो टुडे अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट टू ऑल द फाइव टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस विद इन वन लेक्चर। तो जो पहले पांच टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस थे उनको तो मैंने पिछले लेक्चर्स में डीप में भी डिस्कस कर चुका हूं। आज जो है वही जो पांच टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं उनका जो है समरी निकाल के आप लोगों को देना चाहता हूं। यानी जो पांच टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं उनको मैं एक ही लेक्चर में बंद करना चाहता हूं। और जो है यहां पे तो सिर्फ मैं इतना बताना चाहता हूं कि आपके पास जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं उनको हम कहां पे यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। तो चलेंगे लेक्चर की तरफ। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो से आप बाखबर रह सकें। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, जुमले की अकसाम। जो पांच टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं वो मैं पहले से डिस्कस कर चुका हूं अपने जो पिछले लेक्चर्स में, वहां पे डीप में डिस्कस कर चुका हूं। यहां पे सिर्फ मैं जो है बताना चाहता हूं, एक ही जो है चार्ट पे मैं उनका समरी निकालना चाहता हूं। जो पांच टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, जो फर्स्ट वन थी वो एजर्टिव सेंटेंस, एजर्टिव के बाद इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव के बाद इंपेरेटिव, उसके बाद ऑब्जेक्टिव और फिर लास्ट पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब एजर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? एजर्टिव सेंटेंसेस स्टेटमेंट्स होते हैं, हमेशा वो कोई ना कोई स्टेटमेंट होती है या फिर कोई ना कोई डिक्लेरेशन होती है, कोई बयान होती है या कोई ऐलान होती है। अब वो बयान पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अब यहां पे आपके पास जो पॉजिटिव सेंटेंस मैंने लिखा है, सबा इज ए टीचर, सबा इज ए टीचर। अब सेंटेंस जो है सब्जेक्ट से शुरू हो रही है, सबा इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, सब्जेक्ट से शुरू हो रही है और फुल स्टॉप पे खत्म हो रही है, तो आपके पास ये एक assertive sentence है। assertive sentence हमेशा subject से शुरू होती है और full stop पे खत्म होती है। इसके अलावा देखें, अगर assertive है तो assertive में एक positive statement भी हो सकती है या फिर negative statement भी हो सकती है। अगर आप जो है assertive में negative statement बोलना चाहते हैं तो आप किस तरह बोलेंगे? वही sentence का structure वही है, सिर्फ ला जो है दरमियान में हम not लगाएंगे helping verb के बाद, Saba is not a teacher। अब यहाँ पे sentence Saba से शुरू हो रही है, subject of the sentence है और end हो रही है full stop के साथ, तो ये भी आपके पास एक assertive sentence ही है, बस negative form में लिखा है और ये आपके पास positive form में। तो आपके पास जो assertive sentences होते हैं वो subject से शुरू होती हैं और full stop पे खत्म होती हैं और वो हमेशा कोई ना कोई statement, बयान या कोई ना कोई declaration देते हैं। And the second one, that's interrogative sentences. Interrogative sentences क्या होते हैं? Interrogative sentences questions होते हैं, यानी वहां पे हम कोई ना कोई सवाल पूछते हैं। अब मैंने जो पिछले लेक्चर में बताया था, जो interrogative sentences जो मैंने पढ़ाया था, तो मैंने कहा था आपके पास जो WH वाले क्वेश्चन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कैसे जो है पूछते हैं, कैसे लिखते हैं, या फिर आप मॉडल वर्ब होते हैं हेल्पिंग वर्ब से जब क्वेश्चन करते हैं तो वो क्वेश्चन हम कैसे पूछेंगे। वो अगर आप डीप में पढ़ना चाहते हैं, उनकी ग्रामेटिकल नेम सीखना चाहते हैं, जो WH से हम क्वेश्चन पूछते हैं उनके क्या नेम होते हैं, या फिर मॉडल या हेल्पिंग वर्ब से जब क्वेश्चन पूछते हैं उनके क्या नेम होते हैं, ग्रामेटिकल पिछले वाले लेक्चर देख सकते हैं। अब देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमेशा जो है सब्जेक्ट से शुरू नहीं होते हैं, बल्कि वहां पे स्टार्टिंग पे हम जो है कोई ना कोई WH वर्ड लाते हैं, जो WH से शुरू होते हैं हम कहते हैं, या इसके अलावा जो मॉडल वर्ब होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं, वहां से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे डू यू नो इश्फाक, डू यू नो इश्फाक, मैं क्वेश्चन कर रहा हूं तो सेंटेंस डू से शुरू हो रही है, एक हेल्पिंग वर्ब है और एंड हो रही है साइन ऑफ इंटरोगेशन के साथ। यानी आपके पास जो है इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं वो सब्जेक्ट से शुरू नहीं होते हैं बल्कि वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है और उनको हम एंड करते हैं साइन ऑफ क्वेश्चन इंटरोगेशन मार्क के साथ, फिर यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगा रहे। अब देखिए, ये सेंटेंस एक पॉजिटिव सेंटेंस, इसमें मैंने कोई नॉट वर्ड यूज नहीं किया है, तो मैं कहूंगा ये भी एक पॉजिटिव सेंटेंस है, लेकिन पॉजिटिव में फिर इंट्रोगेटिव है क्योंकि स्ट्रक्चर के हवाले से देखा जाए सब्जेक्ट से शुरू नहीं हो रही है बल्कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रही है, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है। इसके अलावा डू यू नॉट नो इश्फाक, क्या आप इश्फाक को नहीं जानते हो? अब वही सेंटेंस है, सेम टू सेम डू से स्टार्ट हो रही है और एंड हो रही है साइन ऑफ इंटरोगेशन के साथ, ये भी आपके पास एक इंट्रोगेटिव क्वेश्चन ही है, लेकिन दरमियान में मैंने नॉट यूज किया है तो पॉजिटिव से सेंटेंस नेगेटिव बन गया, पॉजिटिव से सेंटेंस नेगेटिव बन गया। यानी आपके पास जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो हमेशा क्वेश्चंस होते हैं और क्वेश्चंस जिस तरह आप एक स्टेटमेंट पॉजिटिव वे में भी दे सकते हो, नेगेटिव वे में भी दे सकते हो, तो इसी तरह इन जो आप क्वेश्चन करोगे क्वेश्चंस पॉजिटिव वे में भी हो सकते हैं और नेगेटिव वे में भी हो सकते हैं। द थर्ड वन, दैट्स इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस ऑर्डर होते हैं,
रिक्वेस्ट होती हैं, कमांड होती हैं या फिर एडवाइस होती हैं, इनको हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। यानी जब सेंटेंस में हम किसी को जो है ऑर्डर करना चाहें, रिक्वेस्ट करना चाहें, एडवाइस करना चाहें या फिर कमांड करना चाहें तो हम इंपेरेटिव सेंटेंस यूज करेंगे। अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस कैसे लिखेंगे? इंपेरेटिव सेंटेंसेस हम हमेशा वर्ब से स्टार्ट करते हैं और एंड करते हैं फुल स्टॉप के साथ। क्लीन द रूम, अब एक कोई एक ऑर्डर है, ओके, अब यहां पे जो है मैंने वर्ब से शुरू किया सेंटेंस और एंड करना है फिर फुल स्टॉप के साथ। अगर इसी का नेगेटिव बनाना है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो हमेशा याद रखें वो डू नॉट से होते हैं, वो डू नॉट से होते हैं, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं डोंट। अब डू नॉट से डू नॉट क्लीन द रूम वही सेम टू सेम सेंटेंस है, सिर्फ यहां पे मैंने डू नॉट लगाया, सेंटेंस नेगेटिव बन गया, पहले पॉजिटिव थी अब नेगेटिव बन गया और लास्ट में दोबारा वही साइन आएगा, चेंज नहीं करना। फिर जो है अगर पॉजिटिव से आपने सेंटेंस नेगेटिव बनाया तो इसका मतलब ये नहीं टाइप चेंज हो गई, टाइप चेंज नहीं हुई, सिर्फ आपने सेंटेंस जो है पॉजिटिव से नेगेटिव में ले जा रहे हैं। उसके बाद आपके पास है जो है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस ब्लेसिंग होती है, कोई दुआ होती है या फिर कोई बददुआ होती है। अब जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो हमेशा हम स्टार्ट करते हैं मे से। जो कंप्लीट ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो हमेशा मे से ही स्टार्ट होती है। मे यू पास द टेस्ट, मे यू पास द टेस्ट, अब यहां पे जो है साइन ऑफ फिर एक्सक्लेमेशन के साथ खत्म करना है, फिर फुल स्टॉप नहीं लगाना है। अगर इसी को मैं नेगेटिव में ले जाऊं तो इसका नेगेटिव इस तरह बन जाएगा, मे यू नॉट पास द टेस्ट। अब यहां से जो मे है, मे से दोबारा शुरू हो रही है और एंड हो रही है, यहां पे दोबारा एंड करना है, दोबारा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ यहां पे मैंने नॉट लगाया तो सेंटेंस पॉजिटिव से नेगेटिव बन गया। सिर्फ ये आपके पास ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस थे। और इसके अलावा जो लास्ट वन है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो है हमारे पास स्ट्रांग इमोशंस होते हैं, हमारे फीलिंग्स होते हैं। अब जो आपके पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं वो हमेशा हम वर्ड से स्टार्ट करते हैं, वर्ड से या इसके अलावा फिर हाउ से। जो कंप्लीट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होती है याद रखना वो हमेशा वर्ड से हम बोल लिखते हैं या फिर हाउ से लिखते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल स्ट्रीट इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्ट्रीट इज, अब वर्ड से शुरू हो रही है और एंड करना है फिर सेंटेंस को साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ। अगर इसी को जो है मैं नेगेटिव में ले जाऊं तो नेगेटिव में सिर्फ नॉट लगाना है। फॉर एग्जाम्पल हाउ नॉट ब्यूटीफुल इट इज, अब यहां पे हाउ से शुरू हो रही है और दोबारा एंड करना है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, एक बार फिर मैं रिपीट करूंगा कि जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं उनको किस तरह लिखना है और वो कौन से होते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पांच ही होते हैं, एसर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपेरेटिव है, ऑप्टेटिव है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इनको हम कहेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू मीनिंग, यानी मानी के लिहाज से पांच टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। अब आपके पास जो एसर्टिव सेंटेंसेस होते हैं वो हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होती हैं और फुल स्टॉप पे खत्म होती हैं। और अर्थ सेंटेंस का, जो पांच टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस मैंने बताए, अर्थ सेंटेंस का अपना एक पॉजिटिव भी होती है, एक नेगेटिव भी होती है। यानी उस सेंटेंस को आप पॉजिटिव वे में भी लिख सकते हो या फिर जो है नेगेटिव वे में। पॉजिटिव और नेगेटिव से उनकी टाइप चेंज नहीं होती, याद रखना। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमेशा क्वेश्चंस ही होते हैं, जहां पे हम क्वेश्चन पूछते हैं और वो हमेशा WH वर्ड से या फिर जो है मॉडल ऑक्सिलरी या फिर हेल्पिंग वर्ब से हम इनको जो है लिखते हैं। अब यहाँ पे जो है मैंने हेल्पिंग वर्ब्स से स्टार्ट किए और इनको हमेशा एंड करना है साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क के साथ। अब इसका भी नेगेटिव बन गया लेकिन वही सेंटेंस का सेम टू सेम है, डू से स्टार्ट हो रही है और एंड हो रही है साइन ऑफ इंटरोगेशन के साथ। उसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो मैंने कहे जहां पे किसी को ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट या फिर एडवाइस देते हैं और वो हमेशा वर्ब से शुरू होते हैं। अगर इनका नेगेटिव बनाना है तो सिर्फ डू नॉट लगाएंगे, बाकी कोई दूसरा यहाँ पे वर्ब नहीं लगाएंगे, डिड नॉट या कोई दूसरा इस तरह के वर्ब नहीं लगाएंगे, सिर्फ डू नॉट से ही बनते हैं। डू नॉट क्लीन द रूम वही सेम टू सेम सेंटेंस है, वर्ब से शुरू करने हैं इनको और जो है साइन ऑफ फुल स्टॉप के साथ खत्म करनी है। उसके बाद है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हमेशा मे से स्टार्ट होती हैं और एंड होती हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ, इनकी भी नेगेटिव बनते हैं। और आपके पास जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं वो तो या वर्ड से स्टार्ट होती हैं या फिर हाउ से स्टार्ट होती हैं और इनको भी हम एंड करते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ। यानी आपके पास जो है एसर्टिव सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंस साइन ऑफ फुल स्टॉप के साथ खत्म होते हैं, इंट्रोगेटिव होते हैं वो उनको तो हमेशा लाजमी है इंटरोगेशन मार्क के साथ खत्म करना है, और ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हमेशा जो है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ खत्म करने हैं।
सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर कि पांच टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को कैसे लिखेंगे और कहां से स्टार्ट होंगे और उनको हम कहां पे एंड करेंगे, कौन से पंक्चुएशन के साथ उनको एंड करेंगे। सो इंशाल्लाह इसके बाद जाऊंगा आपके पास जो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर के हवाले से कितने काइंड्स होते हैं उनको लिखेंगे और उनको मैं समझाऊंगा इंशाल्लाह, उनको पढ़ेंगे। एंड इन लास्ट नॉट टू फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल ग्रामर विद टाइम्स। थैंक यू सो मच।